हेलो गाइस, क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल चुके हैं? भैया घबराना बिल्कुल भी नहीं, आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये लिखकर यूट्यूब पे सर्च करें या फिर गूगल पे सर्च करें कि बिना ईमेल आईडी और बिना मोबाइल नंबर के कैसे पासवर्ड चेंज करें, तो आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो बिना ईमेल आईडी और बिना मोबाइल नंबर के आपका पासवर्ड रिसेट कर दे, समझ रहे ना? तो ऐसे आप लॉजिक लगाकर भी सोच सकते हैं कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा चेंज करने का तो फिर कैसे करेंगे। तो अगर आप ये सोचकर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अभी से इस वीडियो को छोड़ दो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिना ईमेल आईडी और बिना मोबाइल नंबर के पासवर्ड चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने इंस्टाग्राम पर जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो अपने फेसबुक से लॉगिन कर देते हैं, ठीक है? तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो मैं यहाँ पे उनको रिकमेंड करूँगा कि दोनों का पासवर्ड अलग रखें। अगर आपका भी, बाय द वे, अगर आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका इंस्टाग्राम भी लॉगिन नहीं होगा, समझ रहे ना? तो ये जो कैसे मोबाइल नंबर ऐड किया जाता है इंस्टाग्राम पर, वो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे पासवर्ड चेंज करना है, बहुत ही ईजी वे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करें क्योंकि इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे एक सर्च वाला बार आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टाग्राम पासवर्ड रिसेट करके एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? तो सिंपली इसको सर्च कर लेना टाइप करके और यहाँ पे फर्स्ट वाला ये साइट मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आपको इसको क्रोम पर ही ओपन करना है, ठीक है? इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिलेगा लेकिन इसको चूज़ नहीं करना है, सिंपली क्रोम को ही चुनना है। उसके बाद देख पा रहे यहाँ पे साइट वो हमारा ओपन हो रहा है। तो देख पा रहे यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहा है इसके अंदर, जिसपे भी लिंक पाना चाहते हैं पासवर्ड रिसेट करने का वो आपको मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप ईमेल आईडी दें या फिर अपना मोबाइल नंबर दें, किसी पे भी लिंक चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी वही देना है जो कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिंक है, ठीक है? उसके बाद सेंड लॉगिन लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक लिंक सेंड किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देख पा रहे हैं मैसेज वहाँ पे आ चुका है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक लिंक आ चुका है, अब सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे और इसको सिंपली क्रोम पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो लिंक है वो आपके क्रोम ब्राउज़र पे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं पासवर्ड चेंज करने के लिए अब आ चुका है। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड मांगा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे, यानी कि जो कि आपने न्यू दिया था, ठीक है? तो दोनों में सेम पासवर्ड आपको एंटर कर लेना, उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका जो अकाउंट का पासवर्ड है वो रिसेट हो जाएगा, यानी कि रिकवर हो जाएगा, ठीक है? अब यही पासवर्ड को देकर आपको लॉगिन करना अपने इंस्टाग्राम पर, आपका 100% आईडी लॉगिन हो जाएगा, यानी कि रिकवर हो गया पासवर्ड भी, साथ ही साथ आपका अकाउंट रिकवर हो गया, ठीक है? सो गाइज, अब आपको करना क्या है कि पासवर्ड रिसेट करने के बाद इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी यूज़र नेम या फिर मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड रिसेट किया है इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो देख पा रहे हैं अकाउंट हमारा लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको अब बताते हैं कि कैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है और ईमेल आईडी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पर आना, जो कि नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं छोटा ऐसा, उस पर क्लिक करेंगे, एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग मिल रहा है, ठीक है? तो इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपका मिल जा रहा है, ठीक है? अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर जो नया आपने देना चाहते हैं वो यहाँ से देखकर वेरीफाई करेंगे, ओटीपी आएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी कैसे देना, चलिए उसको भी बताते हैं। तो ऊपर में आपको एक ईमेल आईडी भी मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ से ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं या फिर नया वाला यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसी तरह से दे देंगे और आप अपना अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा और तभी आप अपना पासवर्ड को रीसेट करवा पाएंगे या फिर फ्यूचर में कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए या फिर अकाउंट आईडी भूल गए तो इसी से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।